नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे काफी लोग एड ऑन क्रेडिट कार्ड लेने के लिए सोचते हैं, बट उनके मन में एक डाउट रहता है कि एड ऑन क्रेडिट कार्ड लेंगे तो सिविल स्कोर में शो करेगा। चलिए बताने वाले हैं एड ऑन क्रेडिट कार्ड लेने से आपके सिविल में क्या एंट्री होती है कि नहीं होती है, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो प्लीज लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। तो यहाँ पे जैसे मान लो आपके पास किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो बैंक आपको एड ऑन क्रेडिट कार्ड देने के लिए सजेस्ट करता है, और आप सोचते हो कि हमारे वाइफ के नाम से, हमारे बच्चे के नाम पे, या हमारी सिस्टर के नाम पे, या माँ के नाम पे हम एड ऑन कार्ड ले लें। पर आपके मन में एक सवाल रहता है कि हमारा जो सिविल स्कोर है, उनकी एंट्री हमारे सिविल स्कोर में आएगी एड ऑन कार्ड का, क्या ये सही है या गलत है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। साहब एड ऑन कार्ड होता है, जैसे कि मान लो आप एड ऑन कार्ड के लिए अपने फैमिली का अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे कभी कभी कुछ ऐसे बैंकें हैं जो वहाँ भी पेन नंबर मांगते हैं, और आपका जो आपके एड ऑन फैमिली है उनकी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपसे लेती है। अब दोस्तों एड ऑन कार्ड की जो डिटेल्स है वो बैंक को पूरी तरीके से आपके सिविल में शो करवाना है, बट दोस्तों वो पूरी तरीके से शो नहीं होगा। जो आप जो कार्ड है, आपका जो कार्ड के पीछे एक अकाउंट नंबर लिंक होता है, और उस अकाउंट नंबर पे जैसे मान लो एक कार्ड आपके पास प्राइमरी हो गया और एक आपने एड ऑन ले लिया वो सेकेंडरी हो गया, तो सो वो आपके दो एक अकाउंट नंबर पे दो कार्ड आपके एंट्री नजर आएंगे। बट सो आप अगर ये सोच रहे हो कि मेरा जो सिविल है इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एड ऑन कार्ड वाले जो आपके मेंबर हैं, जितना कार्ड को इस्तेमाल करेंगे, जो भी बिल बन के आएगा वो आपकी स्टेटमेंट के साथ अटैच होके आएगा, और आप उनको जितना चाहो उतना लिमिट को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, और लिमिट सेट कर सकते हो, सारे काम आपके पास राइट रहेगा। बट यहाँ पे अगर एड ऑन कार्ड के जो मेंबर हैं, अगर मान लो बिल पेमेंट नहीं करते हैं, तो पैसा आपको ही पे करना होगा और आपके थ्रू वो पैसा पे होगा। और सिविल की बात है तो सिविल में आपके एंट्री 100% जाएगा, बट आपका, आपको बताया था मैंने एक वीडियो में कि क्रेडिट कार्ड के पीछे एक अकाउंट नंबर होता है, और आप सिविल में चेक करते होंगे तो कार्ड नंबर न शो करके आप कुछ अलग शो करता हो, क्या रहता है वो? एक आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसके पीछे बैंक एक अकाउंट नंबर जनरेट करता है, और उसी अकाउंट से लिंक आपका कार्ड का पूरा ब्यौरा रहता है। तो अब उसी अकाउंट से आपके एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी एड ऑन कार्ड हो गया, तो वो आपको वहीं पे ऐड दिखेगा, बट इससे दिक्कत कुछ होने वाला नहीं है। तो एड ऑन कार्ड आप ले सकते हो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, बट इतना याद रखना कि एड ऑन कार्ड तभी रहना जब आपके घर में जरूरत हो, आप बिना किसी रीजन का उसको मत लेना। देखिए एड ऑन कार्ड में होगा क्या कि जो सर्विस आपके कार्ड में दी जा रही है वही सर्विस आपके फैमिली मेंबर के एड ऑन कार्ड में दी जाएगी, तो जो चार्जेस आपके कार्ड में ऐड है वही चार्जेस उस कार्ड में ऐड है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मेरा कार्ड का ज्वाइनिंग फीस है और मेरे एड ऑन कार्ड में ज्वाइनिंग फीस एनुअल चार्ज नहीं लगेगा, तो बिल्कुल मत सोचना। तो आप इसको सोच समझ के लेना, और जो आपके में डाउट था वो मैंने क्लियर किया इस वीडियो में, तो आप इस बात को याद रखना आपके सिविल में एंट्री जाएगी, क्योंकि पेन नंबर ऐड है तो बैंक को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि इनकम टैक्स के अनुसार कोई बैंक, कोई कंपनी है, जो भी कस्टमर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं सारा डेटा बैंक को भेजना पड़ता है, अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन या हाई ट्रांजेक्शन है तो बैंक को भी रिपोर्ट देना पड़ता है। तो ये सब बातों को याद रखना, कभी आप ये मत सोचना कि सिविल में एंट्री नहीं जाएगा। हाँ, लेट सिविल हो सकता है, बट एंट्री जरूर होता है। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना।